प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दिल्ली पर पूरी तरह क्रांतिकारियों का अधिकार था। सम्राट बहादुर शाह जफर, बेगम जीनत महल, सेनापति बख्त खां और कुछ अन्य नेताओं की सलाह से शासन का काम चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के बाहर कंपनी सरकार की सेना का भारी जमाव था। वो दिल्ली पर दोबारा अधिकार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर क्रांतिकारी सेनाएं उन्हें लगातार पीछे भेज रही थी। दिल्ली पर अधिकार करने के लिए कंपनी की सेना को 5 दलों में बांटा था। प्रधान सेनापति विल्सन के नेतृत्व में पहले 3 दलों ने कश्मीरी गेट से प्रवेश करने की तैयारी की। चौथा दल लेकर मेजर रीड काबुली दरवाजे पर पहुंचा और सब्जी मंडी की तरफ से बढ़ने की योजना बनाई। आखिर 14 सितंबर 1857 को सूर्योदय होते ही जनरल निकल्सन कश्मीरी गेट के पास दीवार की ओर बढ़ा। तभी इधर से क्रांतिकारियों ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। दीवार के नीचे अंग्रेजों की सेना भारी संख्या में मारी गई, लेकिन जनरल निकल्सन ने इसकी परवाह नहीं की। एक जगह दीवार कुछ टूट चुकी थी, निकल्सन ने वहां पर सीढ़ी लगवा दी। वो दीवार कूदकर शहर के अंदर जाना चाहता था। आखिर निकल्सन गोलों और गोलियों की बौछार की परवाह न करता हुआ दीवार पर चढ़ गया और शहर के भीतर जा पहुंचा। उसके बाद तो भारी संख्या में अंग्रेज सैनिक अंदर पहुंच गए। कश्मीरी गेट पर घमासान लड़ाई शुरू हो गई। आखिर अंग्रेज सैनिकों ने कश्मीरी गेट का एक हिस्सा उड़ा दिया। इससे कर्नल कैंपबेल भी अपनी सेना लेकर शहर के अंदर आ गया। सब्जी मंडी के पास क्रांतिकारी सेना ने मेजर रीड की सेना का मुकाबला किया। वहां भी घमासान लड़ाई हुई। कर्नल कैंपबेल की सेना जामा मस्जिद की ओर बढ़ी। मस्जिद में उस समय कई हजार मुसलमान जमा थे। उन्हें पता चल गया कि अंग्रेज मस्जिद उड़ाना चाहते हैं। वो सब अपनी तलवारें लिए मुकाबले के लिए निकल पड़े। अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चलाई, काफी लोग मारे गए, पर इससे उनका हौसला नहीं टूटा। इतिहासकार लिखते हैं कि मुसलमानों ने जिस फुर्ती से आक्रमण किया उससे कंपनी के बंदूकधारी सिपाही घबरा गए। उन्हें दोबारा बंदूकें भरने का मौका ही नहीं मिला। कर्नल कैंपबेल भी घायल हो गया। दिल्ली में हुए 14 सितंबर के संग्राम के बारे में अंग्रेज लेखक मानते हैं कि सन 57 की क्रांति का ये सबसे भयंकर संग्राम था। उस दिन कंपनी के 66 अफसर और 1104 सिपाही मारे गए, जबकि करीब 1500 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। 15 से 24 सितंबर तक दिल्ली की चप्पा चप्पा भूमि पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया। इसके बाद दिल्ली का 3/4 शहर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। जगह जगह इमारतों पर फिर से ब्रिटिश झंडा लहराने लगा। उधर 19 सितंबर की रात सेनापति बख्त खां सम्राट बहादुर शाह जफर से मिला। उसने बादशाह की हिम्मत बंधाई और कहा, दिल्ली हाथ से निकल जाने पर भी अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। तमाम मुल्क में आग लगी हुई है। आप अंग्रेजों से हार मत मानिए। आप मेरे साथ दिल्ली से निकल चलिए। आखिरी जीत हमारी होगी। ठीक है बहादुर,
तुम कल सवेरे हमें मिलो। उधर बख्त खां गया और इधर इलाही बख्श बादशाह के पास आया। इलाही बख्श बादशाह का समधी था, परंतु धन के लोभ में अंग्रेजों से मिलकर बादशाह को दिल्ली से बाहर जाने से रोक रहा था। हुजूर, अब बगावत के कामयाब होने की कोई सूरत नजर नहीं आती। बख्त खां के साथ जाने में आपको सिवाय तकलीफों के कुछ हाथ नहीं आएगा। मेरी मानिए, आप यहीं रह जाइए। मैं वायदा करता हूं कि अंग्रेजों से मिलकर सब बातें साफ कर दूंगा, आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगले दिन सवेरे सम्राट बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे में गए। बख्त खां को वहीं मिलने के लिए बुलाया गया। मकबरे के पूर्वी दरवाजे की तरफ यमुना नदी के किनारे बख्त खां की फौज पड़ी हुई थी। पूर्वी दरवाजे से ही बख्त खां बहादुर शाह से मिलने के लिए आया। बख्त खां, दिल्ली से निकलकर क्या हम महफूज रह सकेंगे? हुजूर, आपका इकबाल बुलंद है। दिल्ली को तो छोड़िए, मुल्क के तमाम इलाकों में आपके लिए इज्जत है और वहाँ आप महफूज रहेंगे। लेकिन इलाही बख्श तो... आप उसकी बातों में मत आइए हुजूर, वो फिरंगियों से मिला हुआ है। मैंने अपनी फौज तैयार कर ली है, आप फौरन निकल चलिए, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बख्त खां, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ चलूंगा। बख्त खां के जाते ही इलाही बख्श फिर पहुंच गया। सारे मुल्क में फिरंगियों ने मार काट मचा रखी है, आज नहीं तो कल आप पर मुसीबतें आ जाएंगी। मेरी मानिए, फिरंगियों से दोस्ती करने में ही भलाई है हुजूर। बूढ़ा बादशाह अजीब पशुपेश में पड़ गया। अभी इलाही बख्श अपने दांव पेच चल ही रहा था कि बख्त खां पहुंच गया। अरे, ये फिर यहां टपका? हुजूर, मैं आपका रिश्तेदार हूं, भला मैं आपसे क्यों दगा करूंगा? लेकिन ये बख्त खां पठान है, मुगलों से अपनी कौम का पुराना बदला चुकाना चाहता है और आपके साथ धोखा करेगा। अच्छा तो ठहर, अब मजा देख धोखेबाज, अभी तेरा फैसला किए देता हूं। अरे अरे अरे, ठहरो बहादुर, ठहरो, ये क्या पागलपन है? बहादुर, मुझे तेरी हर बात का यकीन है और मैं तेरी हर राय को दिल से पसंद करता हूं, मगर जिस्म की कुव्वत ने जवाब दे दिया है, इसलिए मैं अपना मामला तकदीर के हवाले करता हूं। मुझको मेरे हाल पर छोड़ दो और बिस्मिल्लाह करो, हमारी फिक्र मत करो, अपने फर्ज को अंजाम दो। बादशाह की बातें सुनकर बख्त खां का दिल टूट गया। वो गर्दन नीची करके पूर्वी दरवाजे से बाहर निकल आया। फिर तो इलाही बख्श को मौका मिल गया। वो फौरन कैप्टन हटसन के पास पहुंचा। साहब, देर मत कीजिए, यही मौका है। बख्त खां को बादशाह ने नाराज करके भेज दिया है, आप पश्चिम के दरवाजे से चलकर फौरन बादशाह को गिरफ्तार कर लीजिए। साहब, फिर इलाही बख्श लपक कर बादशाह के पास पहुंच गया। पीछे पीछे हटसन बहादुर शाह को गिरफ्तार करने पहुंचा। वो उसे देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने अब इलाही बख्श की सारी चाल समझ ली थी। उन्होंने नफरत से उसकी ओर देखकर कहा, इलाही बख्श, क्या तुमने इसीलिए मुझे बख्त खां के साथ जाने से रोका? कैप्टन हटसन ने सम्राट बहादुर शाह जफर, बेगम जीनत महल और शहजादे जवां बख्त को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लाकर लाल किले में कैद कर दिया। इसके बाद फौरन ही कंपनी के बड़े अफसरों की मीटिंग हुई। कैप्टन हटसन और जनरल विल्सन की राय थी कि सम्राट बहादुर शाह को फौरन मार डालना चाहिए, लेकिन कंपनी के बड़े अफसरों ने कहा कि इससे देश के हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें कैद ही रखा जाए। उधर हुमायूं के मकबरे में बादशाह के दो बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा अख्तर सुल्तान और पोता अबू बकर अभी मौजूद थे। ये लोग तय नहीं कर पाए थे कि वो किधर जाएं।
इलाही बख्श को जैसे ही ये बात मालूम हुई तो वो भागकर कैप्टन हडसन के पास पहुंचा। उसने हडसन से कहा, आप फौरन चलकर बादशाह के बाकी दो बेटों और पोतों को गिरफ्तार कर लीजिए, वो लोग भागने ही वाले हैं। कैप्टन हडसन तुरंत मकबरे में पहुंचा और तीनों शहजादों को गिरफ्तार कर लिया। इलाही बख्श ने उन्हें उस वक्त यही भरोसा दिलाया कि वो जनरल विल्सन से उनकी जान बख्शवा देगा। अब हडसन तीनों शहजादों को बग्घी में बिठाकर शहर की ओर ले चला। अंग्रेज सैनिक सवार बग्घी को घेर कर चल रहे थे। जब शहर एक मील रह गया तो कैप्टन हडसन ने बग्घी रुकवाई, तीनों शहजादों को नीचे उतारा और उनके कपड़े उतरवा दिए। अचानक एक सिपाही से बंदूक ली और तीनों शहजादों को गोली मार दी। शहजादे बस यही कह सके, हाय दगा, और गिर पड़े। लेकिन कैप्टन हडसन अभी शांत नहीं हुआ था। वो अभी दिन भर के भूखे प्यासे बूढ़े मुगल सम्राट के घाव पर नमक छिड़कने पहुंचा। कंपनी की ओर से यह आपकी नजर है जो बरसों से बंद थी। थाल पर पड़ा कपड़ा हटाते ही हडसन जहरीली हंसी हंसा। कहिए, पसंद है आपको? तैमूर की औलाद इसी तरह सुरखरु होकर अपने बाप के सामने आती रही है। इतना कहकर बादशाह ने मुंह फेर लिया। कैप्टन हडसन की क्रूरता अभी ठंडी नहीं हुई थी। उसने बादशाह से कहा, क्या तुम्हारी आंखों के आंसू भी सूख गए हैं? हडसन, शहंशाह रोया नहीं करते। इसके बाद दिल्ली में अंग्रेजों ने कत्लेआम शुरू कर दिया। अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि बिना मित्र या शत्रु का भेद किए हमने सबसे एक सा बदला दिया। बीमार और घायलों तक को भी कत्ल कर दिया गया। जितने नगर निवासी शहर की दीवार के अंदर पाए गए उन्हें उसी जगह कत्ल कर दिया गया। एक अंग्रेज लेखक लॉर्ड रॉबर्ट्स लिखता है कि हम सुबह लाहौरी गेट से चांदनी चौक गए तो हमें शहर दरअसल मुर्दों का शहर नजर आया। हमारे घोड़ों की टापों की आवाज के सिवाय कोई दूसरी आवाज नहीं सुनाई देती थी। दूसरी तरफ दिल्ली को लूटने का सिलसिला भी जारी था। अंग्रेजों ने स्वयं माना है कि लूट के मामले में तो हमने नादिरशाह को भी पीछे छोड़ दिया था। घरों में गड़े हुए खजानों के साथ साथ बर्तन, पालना, हुक्का, लोहा, पीतल, जो भी हाथ लगा लूट लिया गया और बाद में प्राइस एजेंसी दफ्तर में उस सामान को नीलाम करके रुपया फौज में बांट दिया गया। उधर अंग्रेजों की कैद में बहादुर शाह जफर, बेगम जीनत महल और शहजादे जवां बख्त को रंगून भेज दिया गया। और इस तरह कई सदियों से लाल किले में महकने वाली मुगल वंश की खुशबू सदा के लिए गायब हो गई। रंगून में बहादुर शाह जफर के अंतिम दिन बड़ी तकलीफ में बीते। वो अपने प्यारे वतन को याद करते रहे। आखिरी वक्त तक उनकी यही आरजू रही कि अपने वतन की दो गज जमीन मिल जाए। उन्होंने मरते वक्त भी यही कहा, गम मरने का नहीं, अगर कोई गम है तो अपने मुल्क की दो गज जमीन न मिलने का है। और इस तरह सन 1857 की क्रांति के रहनुमा मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपनी अमिट गाथा अंकित कर दी। कितना है बदनसीब
दफन के लिए दो गज जमीन भी न मिली कुएं या